दोस्तों मैं कौस्तुब सरकार आप सभी का स्वागत करता हूँ कबड्डी टॉक्स टॉप न्यूज़ के तीसरे एपिसोड में। और इस एपिसोड में आप सभी को मैं बताऊंगा टॉप 6 खबरें कबड्डी जगत के, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है। तो चलिए खेलते हैं कबड्डी। तो दोस्तों यहाँ पे पहली न्यूज़ निकल के आती है, हम सभी ने हमारा जो कबड्डी गुरु का वेबसाइट है लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों ये वेबसाइट है www.kabaddiguru.ga। हाँ दोस्तों .ga, तो कंफ्यूज ना होइए। आपको हम हमारे वेबसाइट की कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं। आप सबके सामने पेश है कबड्डी गुरु की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको बस टाइप करना है kabaddiguru.ga। हाँ दोस्तों याद रखना .ga। तो यहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है, फ्लैश स्टोरी में जो भी लेटेस्ट हम कुछ डालेंगे आर्टिकल वगैरह वो आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, और भी खबरें बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। और इस बारे में अलग से ट्यूटोरियल वीडियो ज़रूर लाएंगे, और बाकी आपको URL बता चुके हैं। तो जाइए विजिट कीजिए और देखिए कबड्डी गुरु के ऑफिशियल वेबसाइट को। तो दोस्तों यहाँ पे AKFI का जो मामला चल रहा है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मृदुला भदौरिया की एक नहीं सुनी, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। मामला कुछ ऐसा है दोस्तों कि 3 अगस्त को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने AKFI के लाइफ प्रेसिडेंट जनार्दन सिंह गहलोत एवं उनकी पत्नी भदौरिया को हटा दिया था पूरी तरह से AKFI से, तो यहाँ पे मृदुला भदौरिया ने अपना सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्शन है वो ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, ये दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जो कि खारिज हो चुकी है दोस्तों। तो ये थी एक अपडेट। और अगर आपको इस बारे में डिटेल जानना है तो मैंने वीडियो बना रखी है जो कि आप देख सकते हो। और दोस्तों आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है 2 आर्टिकल्स, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, इस मामले को लेकर, जो कि आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो कबड्डी गुरु के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो दोस्तों सामने एक बड़ा सा लीग आने वाला है जिसका नाम है इंडो इंटरनेशनल कबड्डी लीग। दोस्तों नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे इंडिया और इंटरनेशनल एक मिक्सचर हमको देखने को मिलेगा कबड्डी में। इस लीग में फॉरेन प्लेयरों को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके खेल को डेवलप किया जाएगा, और इन प्लेयरों को 2-3 महीने पहले लीग के पहले इंडिया के लोकल टूर्नामेंट्स में खिलाया जाएगा, ताकि ये और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लीग में दिखा सके। और दोस्तों इस लीग में 8 टीमें रहेगी, और डिस्कवरी स्पोर्ट्स जो डी स्पोर्ट्स है उस चैनल पर ये लाइव आएगी। और डिस्कवरी स्पोर्ट्स अभी सभी को पता ही है चैनल, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए डिस्कवरी के अंडर वो चैनल आता है, और बहुत ही अच्छा चैनल है, और उस चैनल पे ये लीग आएगा। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पर्सनली इस लीग के लिए, क्योंकि ये लीग कबड्डी को डेवलप करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे तेलुगु टाइटंस और हरियाणा स्टीलर्स ने 2018 वीवो प्रो कबड्डी के लिए अपना लोगो चेंज कर दिया है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और दोस्तों बाकी टीमों के लोगोज अभी भी वही है पहले की तरह, अगर चेंज होते हैं तो अपडेट दे दिए जाएंगे कबड्डी टॉक्स के अगले एपिसोड्स में। और जो भी नए लुक्स होंगे, जो भी टीमों के हर एक की डिटेल्स, अपडेट्स, सब कुछ यार कबड्डी टॉक्स में आपको दिए जाएंगे छोटे मोटे अपडेट्स। तो इस सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर आप फॉलो करते रहिए, कबड्डी की हर एक अपडेट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बात हुई अबुजर मोहजर मिगानी से, हम सभी को पता है कि वो तेलुगु टाइटंस से खेलेंगे इस बार। तो मैंने उनको पूछ ही लिया कि आप कब तेलुगु टाइटंस का कैंप ज्वाइन करने आओगे, तो दोस्तों उनका जवाब था कि वो आएंगे महज मान लीजिए 5 अक्टूबर को प्रो कबड्डी चालू है, तो उससे 5-6 दिन पहले, क्योंकि दोस्तों इनका 8-10 महीने का लंबा कैंप चला ईरान के लिए एशियन गेम्स के लिए। तो दोस्तों इनको अभी रेस्ट चाहिए, और जो कि हर एक इंसान को चाहिए होता है यार। तो यहाँ पे हम ये भी मान के चलेंगे कि इंडिया कोरिया के भी स्टार प्लेयर्स लेट ही आएंगे कैंप ज्वाइन करने, जो कि एक चिंता की भी बात है दोस्तों। हाँ दोस्तों मैंने प्रदीप राहुल इनको नहीं देखा, चांग कुनली को भी अभी तक कैंप में नहीं देखा, तो जो भी एशियन गेम्स में खेल चुके हैं वो लोग बहुत लेट ही आएंगे कैंप में। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये जो गैप रह जाएगा इनके परफॉर्मेंस पे कोई मतलब प्रभाव डालेगा या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो दोस्तों यहाँ पे 29 अगस्त से 30 अगस्त 2018 तक एक इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट खेला गया नेपाल में, जहाँ नेपाल के साथ भिड़ी थी बेंगलुरु की टीम। यहाँ पे तीन तीन टीमें भिड़ी थी, अंडर 19, अंडर 22 और अंडर 25। तो दोस्तों वो मैचेस हो चुके हैं और उनके जो रिजल्ट्स है तीन मैचेस के, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा मैचेस की कुछ वीडियोस रिकवर करूं और आप सभी के सामने पेश करूं। तो दोस्तों रिजल्ट्स है, अंडर 19 में नेपाल जीती, स्कोर रहा 37-33। अंडर 22 में दोस्तों बेंगलोर जीती एक स्टेट एक देश से, जहाँ स्कोर रहा 67-31, बहुत ज़्यादा। फिर दोस्तों अंडर 25 में नेपाल ही जीता, स्कोर 45-42। तो दोस्तों यहाँ पे एक चिंता का विषय है कि एक देश जो नेपाल है, इनका कबड्डी को अभी डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे देश का जो टैलेंट वो सिर्फ बेंगलुरु के स्टेट के टैलेंट के सामने हार मान रहा है। तो यहाँ पे नेपाल के फेडरेशन को थोड़ा चिंता करना चाहिए और इस विषय में सोचना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और कबड्डी के अपडेट्स इस तरह ही पाते रहने के लिए कबड्डी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कबड्डी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, नीचे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम तीनों के ही लिंक्स है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।